बताइए कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आप चल करके आए हैं धीरेन्द्र बाबा के यहाँ पे कथा सुनने के लिए? हाँ। जी, तो आप क्या छतरपुर को जाते थे मध्य प्रदेश? छतरपुर में अभी गई नहीं। आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के प्रति लोग कितना श्रद्धा है, यहाँ पे आप आते हैं तो कथा एकदम लोग यहाँ पे लीन है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग माताएं बहने आई हुई है, तो दरबार में देख सकते हैं किस तरह से झूम रही है और कथा को आनंद ले रही है। यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है कि जो बागेश्वर बाबा यहाँ पे आए हैं उनको यहाँ पे दर्शन करना मुश्किल है, लेकिन लोग उनकी वाणी का इतना ज्यादा मतलब उनको फैन है, लोग इस मंडप में आए हैं, मतलब जो दरबार में आकर के यहाँ पे लोग जो है वो दर्शन कर रहे हैं उनको और बहुत ही ज्यादा प्रेम श्रद्धा से उनकी कथा को सुन रहे हैं। Rana 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 Rana। आप कहाँ से आए सर, थोड़ा सा बताइएगा। हम इसी जगह परसा बस्ती से आ रहे हैं। जी, आप लोकल का ही रहने वाले हैं? क्या आपको अंदाजा था कि इतना सारा भीड़ यहाँ पे आने वाला है? हाँ, अंदाजा तो था ही। अंदाजा तो था। हाँ। जी, आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है, जैसे लोग यहाँ इतना दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, आपको कैसा फील यहाँ पे हो रहा है कि आपका गांव में इतना सारे लोग आए हुए हैं? हमारा हिंदू समाज के लिए बहुत बढ़िया फील हो रहा है। जी, लोग कथा में एकदम झूम रहे। संस्था जो था वो खत्म होने के कगार पर था, इससे हमको बहुत बढ़िया आनंद मिला। क्या लगता है, बाबा बागेश्वर धाम आए हैं तो हिंदू के प्रति जागरूकता बढ़ेगी यहाँ? हाँ, जरूर बढ़ेगी। थैंक यू सर। हम लोग जिस बस में बैठे थे वहाँ पे, उस बस में एक पर्सन थे, वो आगरा से आए हैं। और आप और जानकारी दिए थे कि इनका ड्राइवर कौन बन के आया था? मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली में सांसद है, वही इनका ड्राइवर बन के आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ड्राइवर बन के मनोज तिवारी आए थे। वो पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल गए थे, उसके बाद यहाँ पे आए। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं तो हिंदू में एकता बढ़ेगी यहाँ पे? बिल्कुल बढ़ेगी। आप कहाँ से आए हैं? हाजीपुर। नाम क्या है आपका? शशांक राज। क्या? शशांक राज। तो आप सोचे थे कि यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों का क्राउड रहेगा, इतना भक्त जन आएंगे? आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र जो बाबा शास्त्री जी हैं उनका दिव्य दरबार, कितना सारे लोग यहाँ पे क्राउड है, देख सकते हैं भीड़ तो इतना यहाँ पे है कि पंडाल में तो इतना सारे लोग हैं, पंडाल में तो बाहर आप जाके देखते हैं तो इससे दोगुना भीड़ आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का कथा को तो प्रेम पूर्वक श्रद्धा से सुन रहे हैं। यहाँ पे माताएं बहने आप देखेंगे तो पंडाल में तमाम सारी भीड़ यहाँ आपको देखने को मिलती है, जो बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे संत लोग भी हैं जो भी यहाँ पे आए हैं, और यहाँ हनुमत कथा जो हो रही है उसको प्रेम भाव श्रद्धा से बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग सुन रहे हैं। और यहाँ भक्ति में आप देखेंगे तो लोग लीन है, ताली यहाँ पे बजा रहे हैं भक्त कथा सुन सुन करके। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के इतना सारे लोग यहाँ पे चाहने वाले हैं, आप देख सकते हैं पूरा पंडाल यहाँ पे कचाकच लोगों से भरा हुआ है। अब कि जहां तक नजर जा रही हो तहां तक देखेंगे तो माते बहने भाई बहुत दूर दूर से यहाँ पे चल करके आए हुए हैं और एक कथा का बहुत ही प्रेम श्रद्धा के साथ यहाँ पे सुन रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आप चल करके आए हैं धीरेन्द्र बाबा के यहाँ पे कथा सुनने के लिए? हाँ। जी, तो आप क्या छतरपुर को जाते थे मध्य प्रदेश? छतरपुर में अभी गई नहीं हूँ, घर से ही अर्जी लगाई हूँ, लेकिन
क्या आपका अर्जी यहाँ पे स्वीकार होगा, आपको क्या लगता है? मुझे पूरा यकीन है स्वीकार होगा। तो आप यहाँ पे आए हैं तो लोगों को इतना चाहने वाले बाबा को है, तो आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है देख के कि इतनी भीड़ पहली बार अपनी आंखों से देखी हूँ इतनी भीड़। आप किन किन कौन कौन आए हैं साथ में? हमारी दोस्त है एक लेडीज, दोनों लेडीज ही है। आप लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं बाबा का कथा सुनने के लिए? फैमिली नहीं आए हैं, बस फ्रेंड के साथ आप यहाँ पे आए हैं। आपको आकर के कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको यहाँ जैसे भीड़ यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब उत्साहित यहाँ पे हो रहे हैं क्या? आपको लगता है हिंदू में जागरूकता यहाँ पे बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, एकदम हिंदू राष्ट्र बन के रहेगी। आप हिंदू राष्ट्र बनने में सहमत है? हाँ सहमत है, पूरी तरह से, पूरी तरह से सहमत। जी मैम, पूरी तरह से सहमत, पूरी तरह सब सहमत है, तन मन धन से, पूरी तरह से। अब ये बताइए, जैसे कुछ हिंदू लोग जो हैं, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब एक नंबर के झूठा है, झूठा देश का कलंक है, कलंक। हम तो कहते हैं किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ इतना अच्छा बात किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पे भव्य दरबार लगा है नौबतपुर में। तो उनको देखने के लिए पंडाल में पहले 3 लाख लोगों का यहाँ पे मतलब टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी 6 से 7 लाख लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जब देखेंगे तो पंडाल के बाहर भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे जो जयकारी से पूरा जो नौबतपुर है गूंज रहा है। तो बाबा जो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं उनको दर्शन कर रहे हैं लोग, और बखूबी बहुत ही प्रेम श्रद्धा से उनको कथा का आनंद ले रहे हैं।